नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम तिल की बर्फ़ी बनाएंगे। तो इसमें हम खोया नहीं डालेंगे, हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे। इसे बहुत ही टेस्टी बनेगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए बनाते हैं इसे हम। तो देखिए, एक मोटे तले की कढ़ाई लेनी है आपको, और ये मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं और कटोरी से नाप के मैंने 2 कटोरी लिए। तो आप सब सामान आगे सेम कटोरी से ही डालें तो बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बनेगी। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक भून लेना है। थोड़ी देर में ये चटकने लगेंगे और इनका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा, बस तभी आपको गैस बंद कर देनी है। तो ये देखिए, भून गए हैं, मैंने गैस बंद कर दी है। अब इन्हें आप बिल्कुल ठंडा कर ले दूसरे बर्तन में निकाल के, और उसके बाद इसको आप मिक्सर जार में पीस लें। तो ये तिल रेडी हो जाएंगे बर्फ़ी के लिए, पर बिल्कुल ठंडा होने पर आपको इन्हें पीसना है। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए, सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, 4-5 चम्मच घी है। इसमें मैं 1 कटोरी से थोड़ा कम दूध डाल रही हूँ। तो सेम कटोरी है जिससे तिल लिए थे हमने, और इसमें देखिए 2 कटोरी मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, ये भी वही सेम कटोरी है। तो इसको हम मिला करके मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, तो एक तरह से हम खोया तैयार कर लेंगे। तो मिल्क पाउडर से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए, ताकि इसकी गुठलियाँ भी हम ठीक कर लें, इसमें लम्स ना पड़े, और इसको रेडी कर लेंगे। थोड़ी देर में ये गाढ़ा होने लगेगा और 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे खोए जैसा बैटर तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा ये डो की फॉर्म लेने लगेगा। ये देखिए, रेडी हो गया है ये। अब इसके अंदर हम 1.5 कटोरी पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप यहाँ 2 कटोरी भी चीनी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा मीठा चाहिए तो। मैंने 1.5 कटोरी डाली है, और इसे भी हम इसमें मिला लेंगे। और गैस को यहाँ हमें लो की तरफ ही रखनी है, बहुत हाई नहीं करनी है, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, ये भी मिलकर रेडी हो गया है। अब जो तिल हमने पीसे थे, देखिए अब उसका टाइम आ गया यहाँ डालने के लिए। तो इस तरह से थोड़े गुठलियाँ भी बन सकती है, पर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा मिलने के बाद इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तिल डालने के बाद। तो मीडियम फ्लेम से थोड़ा कम की तरफ आपको यहाँ गैस को रखना है। थोड़े से मैंने काजू काट कर लिए हैं और थोड़े से पिस्ता लिए हैं। पिस्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तिल के साथ, और दिखते भी बहुत सुंदर है। और देखिए, अब इसे हम मिला लेंगे, 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, और ये सही कंसिस्टेंसी में आ गया है। और इलायची डालेंगे, और आप जब आपको लगे कि अब जमने के लिए रेडी है, 3-4 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और अब हम गैस को बंद कर देंगे यहाँ पर। तो आप देखिए, कोई ट्रे ले लीजिए, आप थाली ले सकते हैं, प्लेट ले लें, उस पर थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लें, और इसमें हम हमारा बैटर डाल देंगे ये। तो देखिए, इसे जमने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जल्दी से नहीं जमेगा, कुछ घंटे लगेंगे। अगर आप शाम को बना रहे तो रात भर छोड़ दीजिए। और इस तरह से हम एक स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए, कितने अच्छे से सेट हो गई है ये। और इस पर हम थोड़े से पिस्ता और थोड़े से तिल डाल देंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। और अब इसे हम कुछ घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे, क्योंकि एक टाइम लगेगा इसे जमने में। तो देखिए, अब कुछ घंटे हो गए हैं, मैंने 7 से 8 घंटे इसे रेस्ट करने दिया है, और अब ये जम गई है। और आप फ्रिज में ना रखें, उससे ऊपर की पपड़ी थोड़ा ज़्यादा टाइट हो जाएगी, आप बाहरी कोशिश करें इसे रखें। और इस तरह से हम इसे काट लेंगे। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी है ये, और 250 ग्राम तेल में बहुत सारी बर्फ़ी बन के रेडी हुई है। तो मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा दिया है। इस तरह से आप ये बर्फ़ी बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है और काफ़ी सारी बर्फ़ी बन जाती है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।